समाज में नेताओं की छवि अक्सर रुतबेदार और चमक धमक वाली दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी सादगी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सांसद की जो दिखावे से दूर अपने सिर पर दुपट्टा रखने की परंपरा का पालन करती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कैराना से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन की, जिन्हें उनकी सादगी, सिर पर आंचल और उनके बयानों के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान है या इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी है? दरअसल हाल ही में इकरा हसन ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने बताया कि सिर पर दुपट्टा रखने की परंपरा उन्हें उनके परिवार से मिली है, लेकिन अब यह उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। जब वह इसे पहनती हैं तो उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ाव और अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होता है। यह दुपट्टा उनके लिए सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि उनकी पहचान और उनकी आत्म शक्ति का प्रतीक है। आधुनिक समय में जहां लोग ब्रांडेड कपड़ों और बड़े बड़े फैशन के पीछे भागते हैं, इकरा हसन अपने साधारण कपड़ों के साथ समाज में एक अलग ही संदेश देती हैं। उनका मानना है कि एक नेता का काम उसकी कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी नीयत और काम से पहचाना जाना चाहिए। यही कारण है कि वह सिर पर दुपट्टा रखती है। यह उन्हें अनुशासन, मर्यादा और विनम्रता की याद दिलाता है। साथ ही यह एक महिला के रूप में उनके आत्मसम्मान और शालीनता का प्रतीक है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और अगर आप भी इकरा हसन को पसंद करते हैं तो उनका नाम हमें कमेंट में जरूर लिखें। बिल्कुल आखिरी सवाल, और आप चाहें तो उसका जवाब नहीं भी दे सकती हैं। आपके सर पे ये आंचल मैं देखती हूँ जो इलेक्शन कैंपेन से लेकर अब तक चल रहा है, क्या ये एक ट्रेडिशन का हिस्सा है, क्या ये आपके फेथ का हिस्सा है? एक लंदन से पढ़ी हुई लड़की सर पर आंचल रखती है। दोनों का ही कह सकते हैं, फेथ में भी है और कल्चर में भी है। जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ पर न सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बल्कि हिंदू महिलाएं भी बहुत इसी तरीके से दुपट्टा रखती हैं, तो ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, मज़हब का भी कह सकते हैं, कल्चर का इंटरप्ले है इसमें, क्योंकि हमारा देश भी बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल उसमें डाइवर्सिटी के इंटरप्लेज होते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है।